अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो हॉरर मूवीज आज भी देखना तो चाहते हैं लेकिन देखने के बाद लिटरली उनकी पूरी तरह से फट जाती है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप लोग यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और मैं बचपन से हॉरर मूवीज़ देखता आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था तब हम लोग फोर्थ फ्लोर पर रहते थे तो मैं मूवी तो देख लेता था, लेकिन उसके बाद जो मुझे नाइटमेयर्स आते थे या 2-3 दिन तक मेरी जो पूरी तरह से फटी पड़ी रहती थी वो मैं तो आज भी याद करता तो मुझे हंसी आती है। लेकिन अब तो ऐसा होगा कि मैं अकेले भी बैठ के हॉरर मूवीज देखता हूँ चल चूटा। और ये जॉनरा हमेशा मेरे लिए फेवरेट ही रहेगा। ये एक स्पेनिश हॉरर मूवी है जिसका नाम है डोंट लिसेंट। हालांकि ये इसका इंग्लिश टाइटल है, इसका स्पेनिश टाइटल है वोकेस। तो यार, अब ये मूवी आपको देखनी है या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे इस मूवी की जिसका नाम है डोंट लिसेंट। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, ये लेटेस्ट मूवी है। इसकी ओवरऑल लेंथ सिर्फ 1.5 घंटे की और ये स्पेनिश लैंग्वेज में अवेलेबल है विथ इंग्लिश सबटाइटल और उसके अलावा 30 और सबटाइटल है, लेकिन हिंदी में ये मूवी नहीं है। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की। तो कहानी शुरू होती है एरिक से जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। अब यहाँ आने के बाद एरिक को कुछ वॉइसेस सुनाई देती है जिसके बारे में वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है, लेकिन पेरेंट्स इस बात पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एरिक के साथ इस घर में कुछ मिस्टीरियस होने लगती है। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, स्टार्टिंग के 15 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही टिपिकल हॉरर मूवी जो हमने आज से पहले बहुत बार देखा है और मैंने तो बहुत बार ही देखा है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस मूवी को देखो, उसका रिव्यू करो, लेकिन जैसे 20 मिनट हुआ है इस मूवी को और जो एक ट्विस्ट हुआ है उस ट्विस्ट के बाद ये मूवी में इतना एंगेजमेंट बढ़ जाता है कि एंड तक आप हिलते नहीं हो जगह से। और ये इस मूवी की सबसे अच्छी बात है। ऑल्दो इस मूवी की कहानी में नयापन मुझे पर्सनली नहीं लगा, लेकिन वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवी इज सो गुड कि मतलब बस आप इस मूवी को देखते हो और इस मूवी के ख़त्म होने के बाद आप सिर्फ तारीफ करोगे। आप इस मूवी को लेकर कुछ भी नेगेटिविटी मेरे हिसाब से तो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही कैरेक्टर है जैसे कि एरिक और उसके पेरेंट्स और 2-3 कैरेक्टर और है जिनको इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि डेवलप किया है, यहाँ पर डेवलपमेंट हमें बस वो जो घोस्ट है बस उसी के बारे में देखने को मिलती है कि भाई उसके पास्ट में क्या कुछ हुआ था और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है, ये ख़त्म कैसे होगी, तो हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। तो इस हिसाब से कैरेक्टराइजेशन मेरे हिसाब से सही है इस मूवी में। और अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो देखिए, हॉरर मूवीज़ में सिनेमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली आपको बहुत सारे अंधेरे के सीन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो व्यूवर्स है वो लोग को एकदम गौर से घुस के देखना ना पड़े स्क्रीन में कि भाई आखिर चल क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल्ट नहीं होती। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर महसूस होती है और साथ ही यहाँ पर कुछ VFX के सीन देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं है मगर कुछ है जिसको बहुत ही नीटली किया गया। उसके अलावा इस मूवी में फ्रेम टू फ्रेम आपका कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। और अगर इस मूवी की BGM की बात करें जो कि अगेन मुझे पर्सनली इम्प्रेसिव लगा क्योंकि गूज़बम्प्स, डर, ट्रिल, यानी कि सब चीज़ अगर आप लोग जो मूवी में फील करते हैं ना वो होता है BGM की वजह से। अगर आप लोग BGM के बिना कोई मूवी देखो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, और यहाँ पर BGM इसका बहुत ही शानदार लगा मुझे। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर सच बताओ तो जितने भी एक्टर्स हैं सब लोग ने डिसेंट काम किया है, किसी ने भी आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया, बट सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। लेकिन तारीफ बस इसीलिए इस मूवी की कर रहा हूँ क्योंकि कहानी में कुछ नयापन ना होने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, जो एक एटमोसफियर क्रिएट किया है और जिस तरह से वो व्यूअर्स को मजबूर किया ना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोग बस इंगेज रहते हो इस मूवी में, इसलिए ये मूवी की तारीफ करना बनती है। हालांकि नयापन इस मूवी में कुछ भी नहीं है। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें जंप स्केयर सीन है बट इतने नहीं है, बस थोड़े बहुत सीन है जहाँ पर कुछ जंप स्केयर सीन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ जगह पे आपको हाँ डर फील होता है। लेकिन फिर से बोलूँगा कि बुजुर्ग लोग और बच्चे लोगों को इस तरह की मूवी मत दिखाओ, लेकिन अगर आपके घर में एडल्ट है तो यार डेफिनेटली देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। मेरे हिसाब से तो ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अगेन बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है 2020 की। यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये मूवी चेकआउट करनी है तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वरना आपको तो पता है कि टेलीग्राम पे तो बहुत सारे लोग मूवीज अपलोड कर ही देते हैं। यार मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल से दुआ में याद रखना। बाय।